सदियों पहले उत्तर हिमालय चंद्रचूर पहाड़ पर एक राक्षसी निवास करती थी। उसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। उसकी माँ की ये इच्छा थी कि उसका बेटा जब विवाह के लायक हो जाएगा तब वो एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करवाएगी। दक्षिण में एक राज्य था सेतपुर। वहाँ के राजा की एक लौती कन्या रूपमती। राजकन्या रूपमती विवाह लायक हो गई है, अब उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता। मुझे लगता है महाराज राजकुमारी का स्वयंवर करवाना चाहिए। उधर गुप्तचर के द्वारा राजकुमारी की स्वयंवर के बारे में प्रचंडा भी जान गई। महाराज शतंकर की एक लौती कन्या रूपमती का स्वयंवर की आयोजन शुरू हो गई। राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। चलो चलो मेरे साथ चलो चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए अलग अलग राज्य से राजकुमार आए और सेनाओं के साथ चंद्रचूर पर्वत की ओर सब निकल पड़े। ये तो असंभव है। मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। सुनो तुम लोग, ये तो सोने का हिरण है। इसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाएगी। राजकुमारी देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, सोने का हिरण। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने पिता श्री के पास जाना चाहती हूँ। राजकुमारी कौन है आप? मैं आपको बचाने आया हूँ। राक्षसनी का पुत्र दानव वो जब आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके पता लगाइएगा उन लोगों का जीवन शक्ति कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। मैं यही पे छिपा हुआ हूँ। राजकुमारी इस नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह तय हुआ है। सच में? तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर लगता है तुम्हें मार के दूसरे राक्षस मुझे खा लिए तो। हाँ, मुझे और मेरे माता श्री को मरना इतना आसान नहीं है। मेरी माता श्री और मेरा जीवन एक जलाशय के अंदर संदूक में है। कहाँ है सोने का संदूक? दक्षिण दिशा में जलाशय के नीचे अताल में एक सोने के संदूक में हम दोनों का प्राण है। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। जल्दी आइएगा। तुम चिंता मत करो। राजकुमारी मैं जा रहा हूँ। उसके बाद राजकुमार जलाशय की ओर पाताल में रवाना हो गए। ओ रहा सोने का संदूक। ए
मुझे क्या हुआ है? महाराज, क्या आपको ये नहीं लगता कि राजकुमार सूर्य प्रचंडा और उसके पुत्र को राजकुमार उन दोनों का बात करके गुनाह किए हैं? राजकुमारी दानव के साथ छल की थी और प्रचंडा ने भी राजकुमारी को अगवा की थी अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए राजकुमार ने प्रचंडा और उसके पुत्र का हत्या करके कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए अब मैं चला महाराज। अनुकूल बाबू के घर में आज खुशियों की ही किलकारी गूंज रही है। कारण यह है कि घर में एक नया मेहमान अनुकूल बाबू का इकलौता संतान छोटू का प्रथम जन्मदिन। रायचंद्र छोटू की समस्त जिम्मेदारी उठाते हैं अनुकूल के पुराने नौकर। सुना जाता है कि छोटू के पिता अनुकूल को ये गोद में ही अपने पोष पाल के बड़े किए हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। लो 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 लो, खा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लो, अच्छे बच्चे, लो, थोड़ा सा, अब नहीं खिलाऊंगा, ठीक है? मत रो बेटा, मत रो, मत रो, पानी पियोगे, पानी लेके आता हूँ। ये देखो शैतान छोटू को। क्या हुआ रायचंद्र, क्या हुआ? मालकिन ये देखो छोटू को चलना सीख रहा है। देखना मालकिन, हमारा छोटू पढ़ लिखकर जज बनेगा। पता है लाखों कमाएगा। तुम भी ना रायचंद्र, सच में। रायचंद्र और उनके छोटू, साल गुजरता गया और वो बढ़ते गए। एक दिन किसका पत्र आया है? बदली का पत्र। ज्यादा दूर मत जाओ बेटा, आज बादल बहुत ही गरज रहा है। अब चिंता मत कीजिए मालकिन, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग। तनु ना घूमने तनु ना। हाँ, छोटू हम लोग घूमने चलेंगे। चलो। फून। फूल लोगे छोटू? आज नहीं, बाद में। फून चाहिए, फून चाहिए, फून दीजिए ना, फून। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। तुम नीचे मत उतरना, उस नदी के किनारे मत जाना, मैं अभी वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तुम कहीं मत जाना, समझे? वही पे बैठे रहना, ठीक है? हाँ? आ, 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 आ,
टूट गया फूल, लेके जाता हूँ छोटू के पास। ओह छोटू, ये लो तुम्हारा फूल। छोटू तुम कहाँ हो? छोटू तुम कहाँ हो? वापिस आओ छोटू। तू जितना पैसा लेगा रायचंद्र, दे दे मेरा बच्चा, दे दे। मुझे नहीं पता है मलकिन, मुझ पे विश्वास कीजिए। चला जा मेरे आंखों के सामने से, चला जा। शांत हो जाओ, ये तो एक दुर्घटना है, इसमें उसकी क्या गलती है? छोटू मेरा बच्चा, मेरे छोटू के पास कुछ गहने थे, उसी के गहने के लिए ही चोरी किया होगा ये। मलकिन चोरी की कलंक अपने सर लिए अपने गांव वापस चला गया रायचंद्र। एक साल के अंदर ही पिता बन गया रायचंद्र। मैं अपने बेटे को एक बड़े घर के बेटे जैसा पालूंगा उसे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो मेरा बेटा है। मैं कल ही उसे शहर लेके जाऊंगा स्कूल में शिक्षा के लिए। ऐसे ही 12 साल बीत गया। एक दिन, मालिक कौन? मैं रायचंद्र। हाँ रायचंद्र, और क्या चाहता है तू? हाँ क्या चाहता है? फिर से यहाँ पे क्यों आया है तू? मलकिन मैं ही आपके बेटे को चुराया था, और कोई नहीं, मैं ही चुराया था। मैं ही मलकिन। ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? मलकिन ये रहा आपका बेटा, यही है आपका बेटा मलकिन। छोटू मेरा बच्चा, आ बेटा मेरे पास आ बेटा। कहाँ था इतने दिन से तू? आ मेरा बेटा, आ आ मेरा बेटा, मेरा छोटू, मेरा राजा बेटा, आ मेरे पास आ बेटा, मेरा राजा, मेरा बेटा, आ आ। ये मेरा बेटा है, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत तो मेरे पास नहीं है मालिक, मैं आपका बेटा चुराया था, आज मैं वापिस कर दिया मालिक। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किए? मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास आ गया, आप उनको माफ कर दीजिए। मालिक पापा, उनको माफ कर दीजिए, वो बहुत ही गरीब है, उनको कुछ पैसे दे दीजिए। छोटू मेरा बच्चा, महीने के अंत में रायचंद्र के गांव कुछ पैसे भेजे गए, लेकिन वो पैसा वापिस आ गया क्योंकि वहां पे अब कोई नहीं रहता था। ये है गोपाल फाड़। दोस्त बहुत बड़ा गलती हो गया है। कैसा गलती? पैसा घर पे भूल गए क्या? नहीं, वो बात नहीं है, जल्दबाजी में चला आया हूँ, सुबह से सिर्फ चाय पिया हूँ, बहुत भूख लगा है मुझे, खाना खा के आता तो अच्छा होता, अब क्या करूँ मैं? तो रास्ते में कुछ खरीद के खा लो। ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, क्या खरीद के खाऊं? मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं?
आलू खाओगे? आलू? हाँ आलू, तुम्हारे घर जाते समय मैं रास्ते में आलू पका हुआ देखा था, वहाँ से मैं आलू लेकर नमक लगा के खाया हूँ, बहुत भूख लगा था ना इसलिए। ये क्या बोल रहे हो, रास्ते में आलू? नहीं, अगर मिठाई होता तो खाता। समझ गया, दुकान खाली है तो फिर चलो तुम और मैं पेट भर के मिठाई खाते हैं। लेकिन पैसे कहाँ है? सुनो, मैं कुछ सोचा हूँ, सुनो सुनो। बहुत अच्छा सोचे हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चलो। मिठाई वाले, कौन कौन सा मिठाई है तुम्हारे पास? ये तो दो, खाएंगे? हाँ है, बहुत है, बोलो क्या खाओगे? ये लो। वाह, बहुत अच्छा मिठाई है। ये मिठाई मैं बनाया हूँ, स्वादिष्ट तो रहेगा ही, मेरा मिठाई बहुत नामी है। हाँ, खाकर ही तो पता चल रहा है ना गोपाल? हाँ ठीक बोल रहे हो। इस मिठाई का क्या नाम है बताओ? बर्फी। और वो क्या है, कौन सा? वो जो गोल गोल रखा हुआ है। उसका नाम राजभरी है। वो भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ है। खा के देखो। लो खा कर देखो, मुँह से नहीं छूटेगा। हाँ तो बर्फी दे दो, राजभरी भी दे दो, घर में ले जाऊंगा। दो दो, 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 दो। हम दोनों को फटाफट दो। हाँ जलेबी दो, दो दो। और मुझे गुलाब जामुन दो। मुझे भी गुलाब जामुन दे दो। मेरा पेट भर गया है। सच में मेरा भी भर गया। हाँ मिठाई वाले, दोनों का कितना हुआ? जे 20 रुपए, ये लो। नहीं नहीं नहीं, मत लेना, तुम मुझसे पैसा लेना। नहीं नहीं, मुझे से लेना। नहीं नहीं, मेरे से लेना। नहीं नहीं, मैं दूंगा। हाँ ये क्या मुसीबत है? तुम ये मुसीबत खुद दूर कर सकते हो। कैसे? चलो ये खेल खेलते हैं। खेल? हाँ पकड़म पकड़ाई का खेल। सुनो मेरा बात, मैं तुम्हारा गमछे से तुम्हारे आँखों पे पट्टी बांध दूंगा, तुम हम दोनों में से जिसको पकड़ोगे वही तुम्हारे मिठाई का पैसा देगा। ठीक है, खेलोगे? हाँ हाँ खेलूंगा खेलूंगा, ये लो ये लो। बहुत अच्छा, आओ तो फिर आओ 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 आओ, आओ। मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो 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 पकड़ो। मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। आओ 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 मुझे पकड़ो। चल चलते हैं, अपने ही भागो भागो। गोपाल खेलने में मजा आ गया। मैं कहाँ खेला हूँ, खेल खेला है तो वो मिठाई वाला अभी तक वो खेल रहा है ना गोपाल? सच में गोपाल तुम बहुत ही चालाक हो। इसे ही कहते हैं नाई का दिमाग। अब यहाँ से फटाफट भागो, अगर मिठाई वाला आंखों की पट्टी खोल लिया तो। हाँ मिठाई वाला दौड़ के आ जाएगा, भागो। आता होता आधा बोरा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, कब से मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूँ? तुम फिजूल कोशिश कर रहे हो, मैं किचन रूम में ताला लगा दिया हूँ, दरवाजा नहीं खुलेगा। फूफा जी? नहीं फूफा जी,
मैं दरवाजा को खींच कर देख रहा था कि सही से बंद है कि नहीं। सच में क्या? इसका मतलब अभी तुझे भूख नहीं लगा है। ठीक है तो फिर एक्सरसाइज कर ले। जा इस रस्सी को लेकर बाहर जाकर एक्सरसाइज कर ले। ठीक है जा रहा हूँ। क्या हुआ बुंदा, तुम इस रस्सी को लेकर कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? देख बिरजू, फूफा जी मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं। रुको बुंदा, मैं भी तुम्हारे साथ रस्सी लेकर एक्सरसाइज करूँगा। और रहा, मिल गया मुझे रस्सी। जा जल्दी लेकर आ। एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है बिरजू। हाँ बुंदा, एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। चल उस हंदा के साथ एक खेल खेलते हैं। हाँ चलो, बुला बुला हंदा को। ओए हंदा, तू हम दोनों के साथ रस्सी खींचने वाला खेल खेलेगा, लेकिन तू हार जाएगा हम दोनों से। सच में क्या भूला? चल तू भूला। खींच खींच बिरजू, खींच खींच जोर से, खींच 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 जोर से खींच। भोला पकड़ कर रखना, खींचो तेज और तेज। खींचो खींचो जोर लगा के खींचो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है भोला, मैं जब तुझे बोलूंगा तो तू जोर से खींचना। अब तुम लोगों को समझ आएगा। बोलू बोलू जो जोर से खींच। बुंदा तू देखने में सिर्फ मोटा है लेकिन तेरे में हिम्मत नहीं है। क्यों मेरे साथ लड़ने आता है तू? ओए बिरजू, हंदा के साथ रस्सी खींचने में हार गया, लेकिन एक नया आइडिया आया है। कुछ ही देर बाद हंदा घर जाएगा, तभी हम लोग उसके साथ। हाँ बुंदा, वैसे हम दोनों को हरा दिया, इसका बदला तो हम दोनों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जरूर लेंगे बदला उससे। चल चल हंदा के पास चल। क्यों रे हंदा, एक और बार खेलेगा तू? उस टाइम तो भुला के वजह से जीत गया है तू। अच्छा, उस टाइम जीत गया है। चल भुलू, अब और तेज से गिरेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है हंदा, ठीक है। मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर चल रस्सी खींच बोलू, चल जोर से खींच। ले खींच कर दिखा, तू हमें फिर से हरा पाएगा कि नहीं। हाँ ये क्या, ये तो दरवाजा निकल आया। ये बूंदा तू ये ठीक नहीं किया है। दो रस्सी बंध कर मैं किचन रूम के दरवाजे से बांध दिया था और तुझे पता भी नहीं चला। फूफा जी मेरे वजह से किचन रूम में ताला लगा दिए थे। ये क्या, मेरे किचन रूम का दरवाजा कैसे टूट गया? तुम दोनों में से कौन तोड़ा है बताओ? फूफा जी ये हंदा ने तोड़ा ये दरवाजा। ये किचन रूम के दरवाजे में रस्सी बांध कर खींच कर तोड़ दिया। देखिए उसका हाथ में रस्सी है। शैतान लड़के, दरवाजा तोड़ कर खाना चोरी करना चाहता था। तेरा इतना हिम्मत, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। खाना चोरी करना चाहता है तो पीट पीट कर तेरा हड्डी पतली एक कर दूंगा मैं आज।
मारेंगे फूफा जी, यहाँ से भागो भागो भागो। मैं कह रहा हूँ रुक जा हमदा, तू रुक जा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है फूफा जी। मैं कह रहा हूँ तू रुक जा हमदा, तू रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भागेगा तू कहाँ तक भागेगा, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। भाग तू कहाँ तक।